हाँ जी ठीक है। और सैमुअल की आपने बात की, सैमुअल सैमुअल नबी की भी बात ऐसी ही है। हाँ जी 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 सैमुएल से भरने से पहले एक दो हवाला मैं तलावत करना हाँ चाहूंगी। जी हाँ जी प्लीज। यहाँ पर तिश्ना के 6 बाब में है एक टॉपिक है कि सबसे बड़ा हुक्म, और 6 बाब की कुछ आयात पे खुदावद ने कुछ उनको इसराइल को बता रहे हैं कि आप लोगों ने इस तरह से अपनी औलाद को बताना है। और वो इस तिश्ना का 6 बाब की हम 2 आयत से देखेंगे। हाँ जी वहां पर है, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आयन और अहकाम पर जो मैं तुझे बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। लॉर्ड आमीन। आमीन। जी देखिए उम्र दराज होने की यहाँ पे वादा भी साथ में आ गया। बिल्कुल। और यहाँ पे जी इसी के साथ आयत है, तिश्ना 6 बाब के साथ आयत में है, और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठते और आ चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानियों पर टीकों की मानिंद हो, और तू उनको अपने घर के चौखटों और फाटकों पर लिखना। आमीन। आमीन प्रेज द लॉर्ड। ये तरबियत करने वालों के लिए है। देखें जो माँ बाप है ना, जी जितने भी पेरेंट्स हैं, हाँ ये जी उनके लिए है। अपने बच्चों को बिठाएं, खुदावंद के पाकलाम को सिखाएं उनको, और जो जी सिखाते हैं मैं समझता हूँ कि वो खुद भी ठीक रह जाते हैं, पेरेंट्स भी ठीक रह जाते हैं, और उनकी औलाद भी बाबरकत होती है, बरकत मिलती है उनको। जी बड़ी ज़बरदस्त, ये तो बड़ा ग्रेट ग्रेट कमीशन है। ये भी एक तरीके से सबसे बड़ा हुक्म है ये जो कि लिखा हुआ है। जी हाँ जी, के तो दिस इज औलाद को ग्रेट। अगर हम शुरू से ही वही मिसाल का भी जैसे जिक्र देखा कि शुरू से ही खुदावन ने भी यही कहा कि शुरू से ही उसको आप मेरी तरफ लगा दो तो वो मेरी तरफ ही रहेगी। और इसकी हम मिसाल, बहुत खूबसूरत मिसाल देखते हैं कि जात में एक सूरमा की जंगजू बंदा है, ये इफ्ता नाम है इनका, हाँ जी ओ वाह। और इनका और इनके बेटी का वाकया है। यहाँ पर हमें मिलता है कि ये लड़ाइयाँ लड़ने में और खुदावन के नाम में फतुहार के लिए बहुत मशहूर थे। और हाँ जी ये पूरा अगर हम इस चैप्टर को, इस पूरे वाक्य को देखें तो ये किताब की हमें 11-12 आयत में इसके बारे में लिखा हुआ बयान मिलता है। और ये जब खुदावन की लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उसमें फतह याबी होती है, और एक लड़ाई में खुदावन के हुजूर ये मन्नत मानते हैं कि खुदावन जब मैं ये जो अभी वाले लड़ाई पे जा रहा हूँ तो जब मैं फतह याब लौटूंगा तो जो चीज मेरे सामने, मैं अपने वतन जाऊंगा फतह याबी के साथ सामने आएगी, उसको मैं तेरे हजूर कुर्बान कर दूंगा। जी और जब वो अपने वतन पर जीत कर वापस जा रहे होते हैं तो हम इसका जिक्र देखते हैं कि जात उसकी 11 बाब की 34 आयत में है, हाँ जी और इफ्ता मुसफना को अपने घर में आया, और उसकी बेटी तपले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल आई, हाँ जी और वही उसकी एक औलाद थी, इसके सिवा उसकी कोई बेटी या बेटा ना था। जब उसने उसे देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तो तू है, क्योंकि मैंने खुदावन को जुबान दी और मैं पलट नहीं सकता। हाँ आमीन। जी और अगली आयत में है, उसने उससे कहा, ए मेरे बाप, तूने हाँ जी खुदावन को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावन ने तेरे दुश्मनों को बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया है। आमीन। आमीन प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है भाई। इसकी बेटी भी ठीक तरबियत याफ्ता थी। मैं समझता हूँ कि जी वो ओबीडियंट थी, वो भी बिल्कुल इसहाक की तरह ओबीडियंट थी, जी और उसने भी बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने बताया ना, भी वो राजी थी कि तूने करना है कुर्बान तो कर दे तू मुझे, क्योंकि तूने खुदावंद के साथ वादा किया हुआ जी है जी। तो हाँ जी जी वेरी जी गुड। और एक ही बच्ची थी इसकी, हैं ये इस वो मन्नत मानने वाली जी बात है ना, कि तू मन्नत मानने में वाइज जो कहते हैं ना, कि तू मन्नत मानने में ना जल्दी ना कर, जल्दी ना कर। जल्दी ना कर। ये इफ्ताह ने भी देखे जल्दी की, उसने इतना जोश से भर के वो जब हो गया, उसने कहा कि तू खुद मुझे इस पे, तू मेरे दुश्मनों पे तू मुझे फतह दे दे, और जो भी घर जाते हुए जो भी मुझे पहले नजर आएगा ना, जो मेरे इस्तकबाल को निकलेगा, मैं उसको तेरी खातर कुर्बान कर दूंगा। देखिए बहुत जल्दी जी की उसने, बहुत ना जी करता ये वाली, मन्नत ना मानता ना। तो और मन्नत मानी और भी वो है बच्ची भी तो रॉन्ग जी जी मन्नत मानी इसने। हाँ जी बच्ची भी उनकी ये जानती थी कि मेरे बाप ने एक मन बाप ने जिक्र कर दिया कि मैंने खुदावन को ऐसे कहा, और वो बच्ची भी जानती कि हाँ, हमें तो ये सिखाया गया है कि जो बात खुदावन के हजूर कह दी गई उसको तो हमने वैसे ही पूरा करना है। हाँ हाँ और जी ये उसकी, क्योंकि खुदावन की तलीमात उसके जहन में थी शुरू से ही, और इसीलिए
हमें नहीं मिलता कि उसने बाप से कहा अच्छा ऐसा हो गया चलो आप पलट जाओ या फिर मुझे सोचने का मौका दो, उसने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उसने साथ ही जवाब दे दिया जी मेरे बाप जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। गोया कि उसने बाद में थोड़ी सी मोहलत मांगी ताकि वो अपने कवारापन पर थोड़ा मातम कर सके हाँ जी, 2 महीने के लिए, लेकिन हाँ उसने हुक्म और जो फरमा बरदारी और जो ताबियादारी खुदावन के आयन के मुताबिक औलाद को सिखाने का वादा किया गया है, हुक्म दिया गया है, उसने उसी के मुताबिक उस पर अमल किया। हाँ जी, हाँ ये अच्छी बात है उसमें, वो फरमाबरदार रही, ओबीडियंट रही अपने बाप की। गुड, ये बड़ी अच्छी मिसाल थी जो आपने दी सिस्टर हाँ जी जी। हाँ इसके जी। बाद फिर और हम, इसके बाद हम रूथ का जिक्र देखते हैं बाइबल के हाँ मुताबिक, जी, और उनकी जो उन्होंने एक सास के साथ, सास को साथ अपनी जिंदगी गुजारी और उसी को अपने माँ बाप और इवन के उन्होंने सब इख्तियार दे दिए, और वो जानती थी कि वो कैसे जिंदगी गुजारती है मेरी सास, और वो शुरू से उनके पास थी। जैसे आज के दौर में सास और बहू की जो लड़ाई है उसका तो हम बहुत जिक्र सुनते हैं और देखते हाँ हैं, जी, हाँ जी, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि नौमी खुदावन की मतलब उनका घराना ऐसा था, ससुराल में उसको ऐसा माहौल मिला था जो जैसी उसकी तरबियत थी, और उसने इसी वजह से नौमी को नहीं छोड़ा, जब उसके बेटे भी नहीं थे हाँ जी, उसने उसको नहीं छोड़ा, और उसने यही कहा हाँ, था कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, और जो फैसले मम्मी ने किए उन्होंने उसकी माँ अपनी माँ समझकर उनकी हर एक बात में, और अपनी एक बेटी का भी फर्ज निभाया और एक उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से वफादारी में, चूंकि इसका जिक्र जाता है, लेकिन उन्होंने अपने बुजुर्ग का बहुत अच्छे से कहना माना हाँ और फिर जी, खुदावंद ने उनको सरफराज भी किया। हाँ, अच्छी तरबियत थी इसकी। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा ज़रूर जी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये इसकी, ये कहना कि जब हम किसी को मान लेते हैं ना, अपना मान लेते हैं, तो हमें भी फिर ऐसा ही कहना चाहिए, दिल से इसको ऐसा कहना चाहिए। खुदावंद को बिल्कुल ये बात पसंद आती है। और आगे जाके देखें हाँ रूत जी क्यों को बरकत मिलती है, वो इसके साथ शादी होती है, और इसका खुदावंद यसु के की पैदाइश के नसब नामे में बॉयज़ का नाम है। इतनी बरकत है हाँ जी इस लेडी को, इस औरत को, इस बुजुर्गा को। यह है पहले बाप की जी 16वीं आयत में, जो कि हमें कहना चाहिए जब हम किसी के बनते हैं या किसी को हम कह देते हैं, जी जी रिश्ते में हो जाते हैं, तो उसको ऐसा कहना चाहिए जैसे कि रूत ने कहा। जी रूत ने अपनी सास से कहा रूथ ने कहा जी कि तू, हाँ जी, चलें आप पढ़ दें। कि तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा होंगे, होगा, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी, खुदावन मुझसे ऐसा ही करे बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझे तुझसे जुदा कर दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कैसी जबरदस्त मिसाल है आजकल के जमाने में। अब जी हम जब किसी के बनते हैं, तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि अब हम मैं जुदा नहीं जी होंगी, अब मैं या जुदा नहीं हूंगा या होंगी। ये बहुत अच्छी जी मिसाल है, मैं समझता हूँ। तो प्रेज द लॉर्ड, हाँ जी, और ये उनकी एक सास होने के नाते भी उन्होंने उसको मार के सब्र किया तो उसमें किया, और इसके हम देखते हैं कि उनकी बेटी होने के नाते भी तरबियत ऐसी थी कि एक बेटी को जैसे आज के दौर में एक ये कहा जाता है कि जिस घर में तू ब्याह के जा रही है हाँ जी, मरते दम तक उस घर में रहना, तो हाँ मैं हाँ समझती हूँ कि ये बहुत खूबसूरत अंदाज से बेटी और बहू दो जो किरदार है उनकी जिंदगी के बहुत अच्छे और बहुत पुरफजल खुदावन में रहे हैं, और फिर खुदावन ने इसी वजह से उनको ये बरकत दी है कि उनके घराने में से ही यीशु मसीह की पैदाइश हो पाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये बरकत है, ये ब्लेसिंग्स है इसके लिए। जी प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस, अच्छी तरबियत के लिए। जी और इसी तरह तरबियत के जिक्र में हम एक और पर्सनालिटी का जिक्र देखेंगे, वो भी औरत हैं और बार बार उनका जिक्र भी हम बहुत तरह से देखते हैं, और यहाँ पर एक और आता है आसर का कि वो मर्द अस्त्रमल का, की हाँ जो कि उनके जी, जी मर्दगी की तलीम तरबियत में थी, हाँ, वो उनके और चाचा उन्होंने थे। यहूदी जी जी वो उन्होंने यहूदी असूलों के मुताबिक, जैसे अभी हमने देखा कि खुदावन ने कहा कि आपने किस तरह से अपनी औलाद को मेरे बारे में बताना है, और इस तरह बताना है उनके हाथों पर लिख दो, अपने दरवाजों पर लिख दो, चौकटों पर लिख दो, ताकि आपकी औलाद जो है वो इससे भटके ना, वो बल्कि इन्हीं हुक्मों को मानती रहे। तो आसर की भी जो परवरिश थी वो मर्दगी ने इसी असूलों पर इसी तरह से ही की थी। लॉर्ड, हाँ ठीक है, जी बिल्कुल, वो बिल्कुल इसी तरह उसके अंडर में थी, और वो उसकी बात मानती थी और ख्याल भी रखती थी उसका। जी
हाँ ये बड़ी हाँ अच्छी जी, मिसाल है, अस्तर की भी और मिसाल इसी अच्छी फरमा है। बरदारी ने हम ये तो हमने बहुत दफा जिक्र किया किस तरह से वो बादशाह के महल में गई, और उनका जब जैसे ही वो एंटर हुई, कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं कि वो महल में जाते ही सबकी वो बन गई थी, लाडली बन मंजूरी गई थी, नजर हो गई सबकी नजरें सबकी मंजूरे नजर थी। जी और ये उनकी तरबियत का एक हिस्सा था कि यानी कि खूबसूरती एक अलग चीज है, लेकिन तरबियत जो है वो अलग चीज है। बेशक अपनी खूबसूरती की वजह से उनको अच्छा मिला, लेकिन उनका जो हुस्ने सलूक था और उनका जो लबो लहजा था, उनका जो तरीके कार थे, वही उनके ऊपर जो मुकर्रर लोग थे वो उनको पसंद आते थे। और ये वजह से तो उनकी मदद की मदगी तक रसाई हो पाती थी जब वो उनको बताते थे। तो ये तलीम तरबियत का इस चीज़ में बहुत बड़ा हिस्सा आता है कि इंसान की पर्सनैलिटी वो चीज़ें बदल देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ तरबियत, तरबियत तो जी ज़बरदस्त बात है वो हाँ जी, तरबियत। और हाँ इसका हम जिक्र एक छोटा जी हल्का सा उसका हम जिक्र एक दफा देख लेंगे। ये हमारे पास है आस्तर में, आस्तर दो बाप है, उसकी सातवीं आयत से देखते हैं। उसने अपने चचा की बेटी हिफ्सा यानी आस्तर को पाला, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी, और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला, पाला। आमीन जी, और इसी की नौ सलाम। आयत में, आस्तर दो बाप की नौ आयत में है, और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की, और फौरन उसे शाही महल में तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी सास सहेलियां जो उसके लायक थी उसे दी, और उसे और उसकी सहेलियों की हरम सरा को सब सबसे चीज़ें अच्छी जगह में जाकर रखा। आमीन। यहाँ पर है कि उनको जी उन सबसे बेहतरीन जगह उसको मिली वहां पर, सिर्फ बादशाह के महल में ये जब वो वजह से पहुंची कि तो। हाँ जी 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 उसकी आगे हम जानते हैं उनका मकसद जो था, और वही खुदावन ने कैसे उनको प्लांट करना था महल में, ये एक इसके बारे में तो खुदा के इंतजाम अलग है, लेकिन उनके जो तरबियत थी और उनका हुस्ने सलूक था वो ऐसा खुदावन ने उनको दिया कि इसकी वजह से उनको एक बहुत अच्छी, सबसे अच्छी जगह, बल्कि कलाम के मुताबिक हम देखते हैं वो मिली। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये अच्छी तरबियत की बात थी, मैं समझता हूँ बिल्कुल। और बायस हाँ बरकत जी बात हुई इसके लिए भी। ठीक है, दिस इज़ ग्रेट। और जी ये बड़ा फ़र्क पड़ता है, देखें जितने भी हम लोगों को बिल्कुल शख्सियात को हम देख रहे हैं ना, अच्छी तरबियत हाँ जी की वजह से वो उनको आगे जाके ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो जी, जी विच इज़ ग्रेट, मैं समझता हूँ। और ये तरबियत हम इसका ये भी देखते हैं कि ये नहीं कि इनको जब ऐसा माहौल मिला तो ये लोग बिगड़ गए, इन्होंने उसी को मजबूती से थामे थामे रखा। रहे, हाँ बिल्कुल पक्के जी, रहे जैसे इसमें। अभी हमने पीछे देखा कि लड़के को शुरू से उस पर का जिस पर जिंदगी भर उसे चलना है। ऑफ कोर्स जबरदस्त। जी, हाँ जी इसके और आगे। मेहर हाँ जी नामा में जाने से पहले हम एक और बहुत ही मशहूर और बहुत ही हम बाबरकत पर्सनालिटी है उनका जिक्र देखेंगे, सैमुएल। सॉरी कि कौन सी वो सैमुएल को खुदा, सैमुएल का जिक्र करते हैं ठीक हम। है। हाँ जी सैमुअल नबी। हाँ जी जी, कि उनको भी उनकी माँ ने इस तरह से ट्रेन किया और उनको पता था कि मैंने खुदावंद के लिए जाना है, और वो अपने आखिरी दम तक उन्होंने इसी बात को निभाए रखा। सैमुएल के पहले बाप में इसका हमें जिक्र मिलता है कि जब वो अपनी माँ की मन्नत के बाद जाते हैं, हम शुरू में देखते हैं सैमुएल का पहला बाप, दूसरा बाप, ये सब में उनकी माँ ने उनके लिए बहुत कुछ, बहुत मिन्नत रियाजत की है। हाँ जी तो हाँ जी हाँ पहले जी, बाप में ही और ये हमारे वो पास है। जी हाँ जी जी हाँ जी पहले बाप की हम देखते हैं 24 आयत से। हाँ जी और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसके अपने साथ लिया, और 3 बछड़े और 1 एपा आटा और मैं की एक मशक अपने साथ ले गई, और उस लड़के को सेला में खुदावन के घर लाई, और वो लड़का बहुत ही छोटा था। हाँ जी हाँ जी हमीन। और आगे देखते हैं इसकी 26 आयत, और वो कहने हाँ लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यही खड़ी होकर खुदावन से दुआ की थी। मैंने इस लड़की के लिए दुआ की थी कि खुदावन ने मेरी मुराद उससे मांगी जो पूरी मैंने की। उसके लिए मानी पूरी की, इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया, ये हाँ अपनी उम्र भर के लिए खुदावन को दे दिया। तब हाँ उसने खुदावन के आगे सिजदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसने बिल्कुल अपने वादे को निभाया, बिल्कुल जी, वादे को निभाया आपने जो खुदावंद के साथ किया था, और और बच्चे वो को वहाँ पे बेटे छोड़ा ही ने ना ये बिल्कुल जी। छोड़ाई, और उनकी फिर आगे से एली ने तरबियत की। गो के एली अपने बेटों की तो वैसे तरबियत नहीं कर सके, लेकिन सैमुएल ने वही खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उनको सिखाया गया उस पर उन्होंने अमल किया। हाँ जी हाँ जी
प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज़बरदस्त मिसाल थी जी सैमुअल की भी, तरबियत तो उसकी माँ ने की है, फिर जब उसका दूध छुड़वाया गया तो फिर उसको हैकल में छोड़ा ही, वो खुदावंद के घर में छोड़ा हाँ ही। जी ग्रेट, जी प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छी ये मिसालें हैं इसकी। हाँ जी, और फिर आई मीन हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो जिन्होंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की और खुदावंद भी फिर उनके साथ रहा, क्योंकि वो मन्नत की भी एक बात है कि अगर उसके मुताबिक आप चलते रहेंगे ना तो फिर खुदावंद भी जी आपके साथ चलता रहेगा, उस बच्चे के साथ होता रहेगा, तो बिल्कुल। इससे भी फर्क पड़ता और है। इसी तरह एक जी इसी तरह एक और बच्चे का जिक्र कर हम देखेंगे पुराने अहदनामा में ही, लेकिन इसमें खुदावन की तरफ से भी इसको तरबियत मिली, और ये है हमारे पास यर्मिया नबी। हाँ जी, यर्मिया नबी का पहला बाप है और हाँ उसकी हम 4 आयत से देखेंगे, और वहां पर है 4 आयत में, तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे बेशतर कि मैंने तुझे वतन में हल किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावन खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन जी खुदावन ने मुझे यूं फरमाया, यूं ना कहे कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, उनके खुदा फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ साथ हूँ। हूँ, आमीन। प्रेज द आमीन। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब देखिए भी ये, खैर वो जितने भी नबी हुआ करते थे, सैमुअल नबी भी ऐसा ही था ना, क्योंकि खुदावंद की तरफ से जू थे जी वो, तो हाँ इनके जी ऊपर भी खास थी ये वादे के, मैं समझता हूँ ये भी वही वादे वाली बात है कि वादे के फर्जंदी हैं ये भी, क्योंकि वादे के साथ हुए हैं ना ये, तो खुदावंद की अपनी तरबियत भी बिल्कुल साथ हुआ होती थी, और फिर उनके माँ बाप भी उनकी तरबियत ऐसे ही किया करते थे जो कि इनके लिए अच्छी हुआ करती थी, ठीक हुआ करती थी, और ये अच्छे तरीके से बढ़ते और फूलते और फलते थे, विच इज़ ग्रेट। हाँ जी तो ये थे ये सारे, मेरे ख्याल मुख्तसर तौर पे हमने देखे हैं, हो सकता है इनमें से और भी बहुत सारे हों, लेकिन हमने इनको मुख्तसर तौर पे देखा है पुराने अहदनामे के अंदर जितने भी हैं, और क्योंकि हम इसी तरह ही आजकल स्टडी तो इसी तरह ही कर रहे हैं कि पुराने अहदनामे में जाते हैं, फिर उसके बाद नए अहदनामे के अंदर भी हम देखते हैं, तो फिर हम जी अब जा सकते हैं नए अहदनामे के अंदर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अब हम नए अच्छा, जो अहदनामा में प्रेज द टिक कर लॉर्ड, देखेंगे जी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, नए अहदनामे के बताएं मुझे, पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की अच्छे तरीके से करते रहे हैं तालीम और तरबियत। यहाँ पर हमारी जो जिंदगी का मंबा और सब कुछ है जिसकी वजह से हम जिंदा है, यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो उनके लिए हम जब उनका नाम आता है तो फिर हम तो कुछ भी नहीं, या फिर उनके मुकाबला में तो किसी की तरबियत नहीं थी, लेकिन मुझसे यीशु रूहानी तौर पर भी जिस तरह से उन्होंने काम किया, उससे पहले उनकी जिंदगी का एक फेज था जिस्मानी फेज, और कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि 30 बरस तक उन्होंने जिस्मानी जिंदगी में हिस्सा लिया, और 30 बरस से पहले उनके जो हैं मसीह का जो जिक्र हम देखते हैं, हाँ जी, उनकी तलीम तरबियत और परवरिश का, वो हमारे पास शिकायत में है, मुकदस लुका की अंजील है हमारे पास, और उसका 2 बाप है। वहां पर मसीह यसू की डिफरेंट उनके जो है उसका बताया गया है कि उन्होंने खुदावन के सामने किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी इस दुनिया हाँ पे जी, रहते हुए, और उसकी एक आयत हम देखते हैं, 40वीं आयत है 2 बाप की, वहां पर है, और वो लड़का बढ़ता कुवत पाता, हिकमत से ममूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। आमीन। लॉट। हाँ ठीक है जी, और ये 52 में भी है, हाँ जी नहीं बल्कि 51 से मैं पढ़ूंगा, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। देखिए इसका मतलब कुल कायनात का खालिक व मालिक है, लेकिन वो अपने माँ हाँ बाप के जी ताबे रहता है, और बिल्कुल ये और इसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी, और यसू हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया, तो ही वॉज़ ओबीडियंट आमीन। जी, वो भी हाँ जी ओबीडियंट था। प्रेज द लॉर्ड, तो यसू की मिसाल तो सबसे पहले ऐलाना के अंदर आती है ये। जी, हाँ और फिर, यहाँ हाँ पर जी, उनके हम जो देखते हैं, एक तो हिकमत का लफ्ज है, एक कदो कदामत का जिक्र है, और एक खुदा और इंसान की मकबूलियत, मतलब ये इस इन लफ्जों में सब कुछ समाया हुआ है।
का हिकमत में भरना, उनका हाँ कद में भरना और उसका खुदा और उनकी रूहानी जिस्मानी और उनकी जिंदगी का हर एक पहलू यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो किस तरह से थे, किस हाँ जी बिल्कुल। तरह से वो बढ़ रहे थे, किस तरह से वो आगे जा रहे थे। गो कि वो 30 सालों का निचोड़ तो नहीं लिखा गया, 30 सालों को डिटेल तो नहीं लिखा गया, सिर्फ इतना पता है कि वो खुदावंद के बेटे थे और उन्होंने 3 साढ़े 3 साल खुदावंद की मुनादी की, उसमें खुदावंद ने जो भी करार वक्त लिया था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा और इंसानी की मकबूलियत में मसीह तरक्की कर देगी। और एक और वाकया इन बिटवीन हम देखते हैं, जब मसीह 12 साल के हैकल के लोगों के साथ, शराओं के साथ वो बैठे हुए वहां पर उनसे भी कोई डिस्कस कर रहे हैं और लोग हैरान हो रहे हैं कि ये बातें क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में वो चीजें नहीं आ रही थी। हाँ जी तो खुदावंद की तरफ से उनकी माँ और बाप जो थे वो उनके भी ताबिया रहे, उन्होंने उनकी किसी बात से कभी मना ही नहीं की और कभी कोई नाफरमानी नहीं की। हाँ ये जी एक बहुत खूबसूरत हमारे पास उनकी मिसाल है मसीह यीशु अच्छा की। और आगे भी हमें, जी हाँ जी आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ मैं इसमें ऐड जी करूँगा जी कि एक ना मूवी है 2016 में बनाई है इन्होंने, वो मैंने अभी देखी नहीं, मेरे देखने का बड़ा वो है, लेकिन वो जो जब यीशु छोटे होते हैं ना, ये उसके ऊपर बनी हुई है, द यंग मसाया उसका नाम है, द यंग जी मसाया, जब खुदा यीशु मसीह हाँ छोटे जी होते हैं ना, तो उसके ऊपर बनाई हुई है, और ये भी रिसर्च वर्क है, रिलीज़ हुई है 2017 के अंदर ये, और ये 1 घंटा और 46 मिनट लंबी है ये, यूट्यूब के ऊपर ये है, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। दी यंग मसाया है, वो अपने वो जब पैदा होता है, फिर अपने माँ बाप के साथ वो रहता है, उसकी तरबियत कैसी होती है, वो फिर हैकल के अंदर खास तौर पे, मतलब वो सारे उन्होंने उसके रिसर्च करके ना, उसके स्टडी करके, तो उसके उनकी चीज़ों को निकाला है कि छोटे होते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का ना खुदा यीशु मसीह के इंजील के अंदर लिखी हुई नहीं है, उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई नहीं है। हाँ जी जी हाँ जी ख़ास तौर पे जो मजूसी आते हैं, या लिखा भी अगर हुआ है, तो वो जब जब उनका 8वें रोज़ उनका खतना हुआ, फिर उसके बाद वो जब हैकल में जाते हैं, वो लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो नहीं लिखी हुई कोई भी बातें इसके बारे में। लेकिन हाँ उसके जी इस फिल्म के अंदर जो मैं इसके ट्रेलर देखे हैं अभी मैंने, उसके अंदर लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, जब वो मिस्र को गए भागे, तो रास्ते में एक रूमी सिपाही उनको मिलता है, हालांकि वो उस वक्त वो ऑर्डर था कि सब बच्चों को मार दो, तो वो नहीं मारता इसको, इनको नहीं मारता वो, वहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे। लेकिन वो फिर जब वापस आ जाते हैं ना, जब हेरोदेस की फिर वो हो जाता है, मर जाता है वो, और वो जो वापस आ जाते, तो फिर वही इसको रोमी सिपाही एक दफ़ा मिलता है रास्ते में, और यस्सू उसको पहचान जाते हैं, और वो भी इसको देखने का बड़ा होता है, क्योंकि ये ऐसी बातें करते हैं छोटे होते हुए, यस्सू ऐसे ही बात, जैसे ये लिखा है ना, कदो कामत में और इंसान की मकबूलियत में वो बढ़ते गए, कि इंसानों में भी वो मशहूर होना शुरू हो गए। तो फिर एक जी दफ़ा फिर यस्सू इनको मिलते हैं, तो क्योंकि ये जब मिस्र में जा रहे था, तो यस्सू तो बहुत छोटा था, तो वो उस रोमी सिपाही को तो नहीं पता था, वो सरदार को हाँ नहीं जी पता था, नहीं पहचानता, लेकिन अब तो ये बड़े हो चुके होते हैं, ये 14-15 साल के, तो वो फिर यस्सू तो पहचान जाता है इसको, तो फिर उसको कहता है कि तूने मेरे साथ नेकी की थी, तूने मुझे उस वक्त नहीं मारा था, राइट। तो इस तरह जी इसकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आती है, ये जो रोमी सिपाही होता है ना, सरदार जी होता है, इसकी ज़िंदगी में फिर तब्दीली आती है, और वो इसको फॉलो करना शुरू कर देता है, यीशु को भी, इवन कि अभी बच्चा ही होता है। तो अगर किसी ने नहीं देखी, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने इसको नहीं देखा अभी, लेकिन इसमें बहुत सारे सीन ऐसे दिखाए गए हैं जो कि बड़ी हकीकत से के करीब हैं, कि किस तरह वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, किस तरह वो आदमियों के साथ बहस मुबासा करता है खुदा में यीशु होने के नाते। तो ये आप ज़रूर देखें, इस फिल्म का नाम है द यंग मसाया, यूट्यूब के ऊपर इसका है, और हो सकता है ये वहाँ पे हमें किस्तों के अंदर दी गई हो, लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग इट। तो जी मैंने बिल्कुल देखी, तो मैं ज़रूर कभी भी आइंदा की होगी ना, तो टॉक, तो मैं उसमें ज़रूर इसका जिक्र करूँगा, और यकीन जी बाई से बरकत होगी ये। हाँ जी तो चलें, ये मैं बीच में, सॉरी, मैंने आपको बीच में आउट ऑफ द टॉपिक चला गया मैं। हाँ जी हाँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, नए आदनामे के अंदर ही हम देखते हैं। हाँ जी हाँ जी फिर मसीह के दौर में जितने मसीह के आगे रसूलों के बारे में और शागिर्दों के बारे में और डिफरेंट तरह की मिसालें जो थी उसमें हमें जिक्र मिलता है,
और मसीह यसू ने बल्कि जब अपने शागिर्दों को भी चुना ना, तो मसीह ने उनको फिर ये कहा कि अपने आप को आपको छोड़ना पड़ेगा मेरे लिए। उनको खिदमत के लिए एक फौज इकट्ठा करनी थी, और उसका तो एक अलग से बयान जाता है। लेकिन जब रसूलों के दौर में शामिल होते हैं, तो बहुत से ऐसे लोगों का हम जिक्र देखते हैं जो तो शुरू से खुदावन के साथ ही चलते आएंगे। और एक इस तरह खातून का हम जिक्र देखते हैं, हाँ जी वो हमारे पास है दूसरा तमोतियस में है हाँ जी और उसकी 5 आयत में है, और यहाँ पे लिखा है, हाँ और वो जी मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनके रखती थी, उन्हें यकीन है कि तू भी रखता है। यहाँ पर हम उनका जिक्र देखते हैं हाँ जी जो कि जो हैं बड़े वो खुदावन से दूर होते गए हैं, और वो उनके बावजूद भी खुदावन क्या है उनको चुनते हैं, और खुदावन का बंदा उनको पैगाम दे रहा है कि नानी की तरबियत और माँ की तरबियत, नानी की तरबियत माँ पर किस तरह असर हाँ करती जी है, क्योंकि हाँ यहाँ जी पे लिखा हुआ है, और मुझे वो तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनके रखती थी। यानी कि नानी की तरबियत थी, उनकी माँ में थी, हाँ जी और यूनिक माँ की रखती तरबियत थी ही क्या थी, हाँ जी जी, माँ की तरबियत ही उसमें था, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावन का कलाम जो है वो खुदावन उनको तमोतियस को चुनते हैं और उनको सिखाते हाँ हैं और वो उसकी हाँ जी बदलते हैं। हाँ मतलब इवन के वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे ना मत्ती के मुकदस मत्ती के 19वें बाब की में हम देखते हैं 13वीं 15वीं आयत में कि बहुत हाँ सारे जी माँ बाप अपने बच्चों को खुदावंद के पास लेके आया करते थे जी और इवन के जो शागिर्द थे वो मना किया करते थे उन्हें कि भाई ये क्या तुम बच्चों को ले आते हो, लेकिन जी वो कहता था कि नहीं बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और फिर एक जगह जी और भी मत्ती के 18वें बाब की 30ी आयत में वो ये कहते हैं, बल्कि वो मरकस में भी है 10वें बाब में ये चीज़ पाई जाती है, यही लिखा हुआ है कि जो कोई अपने आप को ना वो बच्चों की मानद नहीं बनाता है ना वो खुदावंत की बादशाह में नहीं आ जी सकता है। अगर हम इसको देखें ना थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल थोड़ी सी इस पर बातचीत कर लेते हैं क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, जी तो खुदावंत बिल्कुल का पाकरू हमें ज़रूर यहाँ पर बताएगा कि हमें इससे क्या सीखना, यहाँ पर क्या मुराद था बच्चों की मानद होने का, जी होने की जो मुराद है वो क्या है, उसका क्या मतलब है। 18वें बाब की 30ी जी आयत में है, और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तोबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाह में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाह में बड़ा होगा। एक तो राज ये है छोटा बनाने का, और जी जो कोई ऐसे बच्चे को जो मेरे हाँ नाम पे जी कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पे कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। मैं समझता हूँ जी जो जो छोटे बनने की बात है ना वो हर लिहाज से है। आप देखें जी निकोदीमस उम्र के अंदर वो वहाँ पे शरीयत का उस्ताद था, वो ही वॉज द टीचर था वो, बिल्कुल और वो जी कुछ छोटा मोटा टीचर नहीं था, वो बड़ा टीचर था, वो सरदार काहिन तक हाँ जी उससे लिया करते थे सलाह लिया करते थे। ही वॉज आई मीन लाइक अ स्पिरिचुअल एडवाइज़र था उनका। वो खुदावंद के पास आके पूछता है कि मैं किस तरह से नए सिरे से पैदा हो सकता हूँ, तो ये बात खुदावंद को पसंद आती है कि बच्चों की तरह तुमने, जैसे बच्चे नए तरीके से जब अलफ बे पे ए बी सी डी जब सीखना शुरू करते हैं ना, तो उम्र में हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं अगर हमें फिर दोबारा से सीखना पड़े खुदावंद के बारे में, खुदावंद के पाक कलाम को सीखना पड़े तो हमें सीखना चाहिए, और खुदावंद को ये बात पसंद आती है। सीखने वाला एटीट्यूड, पाक कलाम की ए बी सी डी, पाक कलाम की अलफ बे पे, ये अगर हमें सीखनी पड़ती है तो सीखें। और यही बात खुदावंद निकोदिमस को भी यही चीज़ बता रहे थे क्योंकि उसको भी पता नहीं था, ही वॉज अ ब्लैंक, ही वॉज अनपढ़ खुदावंद के हिसाब से, यस्सू के हिसाब से तो वो अनपढ़ था वो, और वो इसीलिए खुदावंत कहता है कि बच्चों की मानद बनो, यानी बच्चे हर चीज़ में सीख रहे होते हैं ना। अब देखें आप, जी ठीक है, तो ये सीखने की बात वो है, एक तो अपने आप को छोटा बनाना है और फिर छोटा बन के कहना है कि हाँ हमें सिखाओ। और अब बहुत दफ़ा मैं मिसाल देता हूँ कि कलीसियाओं के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं सीखने के, कि बाइबल पढ़ी जाएगी जी, साल में एक मरतबा बाइबल पढ़ी जाएगी, सारी कलीसिया पढ़ेगी, और बहुत दफ़ा जो ख़ास तौर पे जो बड़े लोग होते हैं ना समझते हैं जी हम उम्र में 60 साल के हो गए हैं 70 साल के हो गए हैं, तो वो इस बात को नहीं सीरियसली लेते, वो कहते हैं यार ये तो बच्चों वाली बात है,
ये बात है, ये हमने बाइबल पढ़ी हुई है पहले, को हमें कौन सी बाइबल नहीं आती, हम तो रोज बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, ये नौजवानों को दो, जी बच्चों को दो, ताकि ये पढ़ें, क्योंकि इन्होंने नहीं पढ़ी हुई। और आप यकीन करें, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे, पढ़ते तो हैं हम सारे बाइबल, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि साल में हमने एक मरतबा इसको पढ़नी है, दो मरतबा पढ़नी है। और उसकी जो बरकत है ना सिर्फ पढ़ने की, वो बिल्कुल ही जी डिफरेंट है। आपने एक हाँ जी ये कुर्बानी है, एक तरह की कुर्बानी है, या एक तरह की मन्नत है। और फिर हमने देखा है कि जो खुदावंद के लिए जो कुर्बानी की जाती है, हम अपनी देते हैं या हम मन्नत को पूरी करते हैं ना, उसकी बरकत मिलती है। और ये हम आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सारे उन नबियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो हमें बरकत मिली है। तो जी बरकत मिलती है इस बात में, ब्लैसिंग। आप क्यों भाई जाया करते हो? हाँ, पढ़ते हो, पढ़ी होगी आपने, एक दफ़ा फिर सबके साथ पढ़ लोगे तो क्या नुकसान है? कोई कोई और दूसरी किताब तो नहीं ना आपको कह रहे पढ़ने के लिए? बाइबल ही कह रहे हैं ना पढ़ने के लिए, अच्छी बात है ये। लेकिन चूंकि कुर्बानी नहीं देनी है, बच्चा नहीं बनना है, बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना है, छोटा नहीं बनना है, तो फिर बरकत तो फिर नहीं मिलेगी ना सिस्टर, जी मुश्किल तो फिर होगी ना। और यही खुदावंद कहते हैं कि बच्चों की तरह जब तक तुम नहीं बनोगे ना, खुदावंद की बादशाही में तुम बढ़ ही नहीं सकते हो तुम। तो ये यहाँ पे मैं इस बात को ज़रूर कोट करना चाहता था, जो अभी हम तरबियत पे आ रहे हैं, बच्चों की बात के ऊपर आ रहे हैं, तो खुदावंत की ये बात मुझे, ये बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि अपने आप को अपने बच्चों की इमानत छोटा बनाना है, ताकि आसमान की बादशाह में आप बड़े हों। ये थी, ये यीशु की बात थी जो उसने की। या वो भी तो पे हमारी तरबियत करता है ना वो, अब हम सारे उसी के बच्चे हैं, खुदावंत जी यीशु के बच्चे हैं, तो उसने भी हाँ तुम्हारी जी तरबियत करनी है ना। तो हमें भी ज़रूरी है कि हम भी उसके ताबेदार रहें, जैसे सारे लोग देखें जितने ओबीडियंट थे, हम भी ओबीडियंट रहें उसके, तो ही हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो ही हम बिल्कुल फरमाबरदार कहलाएंगे उसके। चले, सॉरी मैंने हाँ आपको जी बीच में डिस्ट्रैक्ट किया। हाँ जी, ये बिल्कुल सीखने की चीजें हैं, और हम तो जितने कलाम को जब भी पढ़ते हैं हाँ जी, हम इसीलिए कलाम के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको हम थोड़ा सा बात करते हैं, ताकि जितनी आसान लफ्ज़ों में हम तक पहुँचें हम उतना उसको जान सकें, क्योंकि मुश्किल में तो मुश्किल टर्म जो है ये तो पढ़ाई में सब सीखते हैं, लेकिन आसान लफ्ज़ों में मसीह यीशु भी आसान करके ही अपने लोगों को बताते थे। बेशक हम उसके साथ मिल तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि आसान करके जब हम उसको सीखते हैं अपनी मिसालों के साथ, तो वो हमारे लिए ज़्यादा हमें हम उसको याद रख पाते हैं, उन चीज़ों को हम अच्छे से हाँ समझ जी, सकते हैं। तो बेशक कलाम खुदावन का ऐसा ही है कि अगर हम किसी भी तरह से उसको देखें, कोई भी बात हम सीखते हैं, तो वो हमारे सारे पहलू को कवर कर लेता है। अगर वालदैन को सिखाने की बात है तो वो भी हमारे सारे पहलू को कवर करता है, वालदैन होते हुए, और उसमें औलाद का जिक्र भी आ जाता है। औलाद को सिखाने की बात है, उधर वालदैन का भी जिक्र आ जाता है। और हाँ जैसे जी, खुदावन 10 अहकाम में भी खुदावन ने इसी चीज़ को कहा था, औलाद के लिए भी कुछ हुक्म दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि आप अपने वालदैन की भी क्या करो, इज्जत करो हाँ, इज्जत अपने करें, माँ बाप फरमाबरदार को। रहें, हुक्म माने जी उनका ना। हाँ हाँ जी बिल्कुल और जी, जब ये हम भी बच्चे हुक्म है। होते हुए ये सीखते हैं, बच्चे होते हुए इस बात को सीखते हैं, तो जब हम वालदैन बनते हैं तब भी डेफिनेटली ये हमारे लिए एप्लीकेबल है। हम फिर उसको तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने हाँ तो जी, सीखा है, तो अब हम बन गए हैं, तो हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए। और ये वैसे भी खुदा की तरफ से वादा है, और इस तरबियत को खुदावन ने आगे बढ़ाया है हमारे लिए, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके, हाँ जी, और हाँ इसी जी, का जिक्र हमें बार बार मिलता है। जी, हाँ, ये बिल्कुल और वैसा ही वालदैन है। को लेकर बच्चों के हक हाँ हैं, और जी, बच्चों को लेकर वालदैन के हक हैं, और परवरिश की जिधर बात आती है, तो बहुत से दुनियावी हमें नुस्खा मिलते हैं कि वालदैन को चाहिए कि बच्चों को कलाम की तरबियत बताएं, और थोड़ा माशरे की भी बताएंगे, जैसे बच्चे को अपनी हिफाजत करना आनी चाहिए, बच्चे को अपने ईमान की हिफाजत करना आना चाहिए, बच्चे हाँ जी, को पता होना चाहिए मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मेरा खुदा मुझे क्या फरमा रहे हैं। और बेशक वही आपने जो भी बताया कि जब हम बाइबल को सीखते हैं अपनी उम्र में, तो सीखा बच्चों के साथ भी उसको दोबारा से सीखते हैं, तो हम दोनों के लिए वाकई वो बाइबल बरकत, और उसका हमें फ़ायदा ही है, इस चीज़ का हमें कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ जी, हाँ, देखिए मैं बहुत सारी मिसालें, फिर मैं हम बात करेंगे तो खैर दूर निकल जाएगी, लेकिन है तो बरकत की बात है। हमारे पादी साहब जो हैं, अब तो खैर 74 ईयर की उम्र है उनकी, वो उनकी पोती है 3 4 साल की भी, दो दो 3 साल की है, और वो कहते हैं हाँ जी मैं उससे सीखता हूँ, मैं उससे भी बहुत कुछ सीखता हूँ।
तो देखें आप उम्र का देखें, अगर अब यही देख अगर यही बात, एक तो वो बादी साहब हैं एक तो, ठीक है, वो आलम हैं, आलम हैं, वो स्कॉलर हैं बाइबल के, और फिर उनकी पोजीशन देखें आप, रूहानी तौर पे वो हमारे पेशवा हैं यहाँ पर, और फिर वो जब वो कहते हैं जी मैं वो 2 साल की बच्ची से भी मैं सीखता हूँ, अगर वो बात कहती है ना, छोटा बच्चा एक बात कहता है तो मैं पिक करता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या कह रही है, उसका कहने का क्या मतलब है, राइट। तो मैं इस बात से सीखता हूँ मैं, तो फिर हम कौन हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है सिस्टर, मैं तो अगर एक क्लीसिया के अंदर अगर अगर वहाँ पे कोई किसी यंगस्टर को अगर मौका दिया जाता है ना कि हाँ वो खुदावंद के पाकलाम को खोलेगा या वो सुनाएगा आज, तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये आदत नहीं होती ना, बच्चों की मानद नहीं वो बने हुए होते खुदावंद की उसमें जमायत के अंदर नहीं करते, तो वो उठ के चले जाते हैं, वो कहते हैं ये बच्चा हमें क्या जी सिखाएगा, ये आज खुदावंद का पाकलाम हमें क्या खोल के बताएगा, हम तो इससे ज़्यादा जानते हैं, हमारी उम्रें तो इतनी हैं। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है हमारे माशरे के अंदर, ऐसा भी वो सुनते ही नहीं हैं। और जो मैंने भी आपको मिसाल दी हमारे पादी साहब की, वो कहते हैं मैं 2 साल की बच्ची से मैं सीखता हूँ, और कलीसियाओं के जी अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जब उनकी कलीसियाओं का कोई कोई पोता, कोई बेटा, कोई दामाद, कोई जब ऊपर चढ़ के वो खुदा के कलाम को खोलना चाहता है, तो वो लोग वॉकआउट कर देते हैं। वो ये स्काइप के अंदर भी ऐसा ही होता है, बहुत सारी जब मीटिंग्स ऑनलाइन करते हैं ना, तो अगर कोई बच्चा जी वहाँ जी पे कोई उसकी जब बारी होती है, तो उसके अंदर कोई नंबर किस्म के जो कहते हैं ना हम पास्टर हैं जी फलां फलां, ये हम बिशप साहब हैं, वो वॉकआउट कर जाते हैं, वो छोड़ चले जाते हैं, वो कहते हैं ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा, आपको क्या पता खुदावंद ने उसके ज़रिए से कौन सी बात कह देनी है जो आपके लिए नहीं होनी है। तो नहीं करना चाहिए ऐसे, खुदावंद की अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप खुदावंद के कलाम को समझते हैं, तो पाकलाम में तो ये लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु ने तो ये कहा हुआ है कि बच्चों की मानद बनो, अगर तुम खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो अपने आप को बच्चा बनाओ, छोटा बनो, सीखो, सुनो, ठीक है। तो इतनी देर भाई आप जी सुनाते रहे हो, अगर अगर आप उसने इतना सीख लिया है तो आप उसको सुनो, खुदावंद पता नहीं उसके जरिए से आपसे क्या बात करना चाहता है। तो जो सीखने की रूह है ना जी हम में, वो ज़रा थोड़ी सी कमज़ोर होती है, हम चाहते हैं कि नहीं हमें कोई हमारे जैसा ही या हमसे कोई बड़ा ही समझाए, कोई छोटा नहीं हमें सिखा सकता कुछ भी, विच इज़ मैं समझता हूँ कि ठीक बात नहीं, खुदावंद के पाकलाम के मुताबिक नहीं है ये बात। हाँ जी जी जैसे अभी हमने एक हवाला इन बिटवीन में दूसरा ग्रंथियों में देखा था कि वो माँ योनसी और नानी का जिक्र है कि वो खुदा की माँ में थी नहीं, वो जो अपनी औलाद को तलीमा दे रही थी वो नहीं थी, और वो फिर खुदावन का बंदा इसीलिए तिमोथियस को सिखा रहे हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन आगे से अब बढ़ो, आप अच्छाई की तरफ आओ। तो हाँ जरूरी है कि हमें जी नए नए जमाने में बिल्कुल अब इसी को हम अगर एक दफा दोबारा से एक दोबारा वो झलक देखें हम फराउन के जमाने की यूसुफ की, हाँ जी कि फराउन उम्र में बड़ा था और हाँ वो जी बादशाह था जी लेकिन जी वो अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में दे देता है। हाँ वो ये बहुत अच्छी कहता है मिसाल है बेशक इसकी। वो उम्र में छोटा, ये जी, खुदावन बेहतर जानते हैं, खुदावन ने किसको सरफराज किया और किससे जो काम लेना ये खुदावन को पता है। और इसी तरह वही जैसे आप सिखा रहे हैं कि खुदावन बच्चों के जरिए बात करते हैं, तो ये खुदावन के जो हुक्म है ये उम्रों से और ओहदों से नहीं बल्कि ये खुदावन की मर्जी से होते हैं, और इंसान जब उसको कबूल करता है तो फिर यकीनन बरकत पाता है। इज द जब हम लॉर्ड रिजिस्ट करते हैं तो फिर हम जानते हैं कि हमें मुश्किल और नुकसान उठाने पड़ते हैं। इज द लॉर्ड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, खुदावंद खुदावंद के रूह को काम करने दे, उसके रूह को काम कर देना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में वो काम करे। वो जो नुमान की के घर में जो छोटी काम करती थी ना, लॉन्ड्री काम करती थी, देखें जी नुमान ने जी उसकी हाँ सुनी, जी और सुनी तो फिर उसने बरकत भी पाई ना, हाँ जी राइट। जो सुनती ना, तो अगर वो सुनता ना तो वो बिल्कुल कैसे ठीक होता कोढ़ से। वो कहती थी ना कि अगर ये मेरे जी मुल्क बिल्कुल में होता तो मेरे मुल्क में नबी है वो इसको ठीक कर देता। तो उसने सुनी और उसने बरकत पाई, उसने सीखी ये बात। तो इसीलिए वो जो बच्चों पे बच्चों के मानद की जो बात है ना, वो यहाँ पे सूट करती है। मैं समझता हूँ कि आप इस बात को हमेशा अपने सामने रखें कि आप कहाँ से क्या बात सीख सकते हैं जी। हाँ जी, तो दिस इज बहुत सारी और वो ऐसी बातें हैं जो फायदेमंद बच्चे आगे आगे जी बढ़ते हुए जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी प्लीज़ आगे प्लीज़ आगे बढ़ते बढ़िए। हुए वही हमें फायदा देती हैं। हाँ जी बिल्कुल
बिल्कुल आगे बढ़ने में मदद देती हैं वो हमें। ग्रेट, इसके अलावा कुछ ऐसे, मैं तो समझता हूँ बहुत सारे और भी ऐसे होंगे, और पाकलाम तो भरा पड़ा है इन सारी बातों से। तो बिल्कुल बहुत सारी मिसालें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइंदा प्रोग्राम में हम ज़रूर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर इसका जिक्र करेंगे। और अगर जी। और कुछ और नहीं एक है। आखिरी हवाला, हाँ सिर्फ जी जी, भी सिर्फ एक आखिरी हवाला मैं ऐड करूंगी, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा और खुदावंद का कलाम पुराने अहदनामा में, जैसे हमने 10 अहकाम में, हरूज में हमने देखा, तो 10 अहकाम में भी खुदावंद वालदैन को के लिए शुरू से ही औलाद को सिखा रहे हैं कि उनकी तरबियत में अपने वालदैन की पैरवी भी आती है। नए अहदनामा भी उसका जिक्र देखते हैं, उसमें हमारे पास उसका 5-6 बाप है और उसकी पहली 4 आयात हैं जी, जो कि वालदैन और औलाद दोनों के लिए हैं। इज द लॉर्ड। और जी पाकलाम में है, ऐ फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है, और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर जमीन पर दराज हो। दराज हो। और ऐ औलाद आमीन वालों, जी। तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। आमीन। प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है पाकलाम। तो हमारी तलीम और जी तरबियत के खुदावन लिए भरा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है, मैं जी समझता हूँ। और फिर जब हमने पाकलाम की तरफ नहीं आना है, नहीं पढ़ना, नहीं सीखना, इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने अमल नहीं करना है ना, तो फिर मुश्किल है कि बरकत हमें मिले। सो मैं तो अपने सुनने बिल्कुल वालों को हमेशा से यही कहूँगा और कहता रहूँगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर चलें, चलें बच्चों की उस राह पे तरबियत करें जिन पे उनको चलना है। ठीक है, अगर आप छड़ी से भी उनको मारेंगे तो वो मर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये भी हाँ जी इमसाल के अंदर लिखा हुआ है। छड़ी से मारने की ये बात है कि थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है ना, तो डू इट, करें सख्ती, क्योंकि ज़रूरी है ये। जी तो और औलाद दिस, को हाँ भी जी उस सख्ती को कबूल करना चाहिए कि ये खुदावन की तरफ से है, ये इंसान का हुक्म नहीं है, ये हमें जो हम पर हो रहा है ये वालदैन की मर्जी नहीं है, ये किसी इंसान की मर्जी नहीं है, ये खुदा का हुक्म है। और उस चीज को औलाद जब कबूल करेगी तो फिर उनकी औलाद भी उस चीज को कबूल करेगी। हाँ जी, वो जब तक बच्चा आपके अंडर में है ना, 4-5 साल तक का, उसको वो वक्त बेस्ट वक्त होता है कि आप उसको अपने इख्तियार में रखें, कर लें, आप अपने कंट्रोल में कर लें। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल उस उम्र में, जब वो आप नहीं ना उसको कर पाते, तो फिर वो बस वो फिर आपका कंट्रोल जाता रहता है। फिर आप जी ये नहीं कह सकते हो जी औलाद को चाहिए कि वो भी रखें वो, फिर जब आपने नहीं अपना कंट्रोल उसके ऊपर रखा तो वो फिर जो है ना, वो फिर कंट्रोल में नहीं रहते, बस फिर मुश्किल हो जाता है वो। जी तो कोशिश करें कि बच्चों को शुरू से अपने कंट्रोल में रखें। ठीक है जी सिस्टर और खुदावन जी। जी जी एक आखिरी बात छोटी सी करूंगी मैं, हाँ जी और खुदावन को इस सारे प्रोसेस में, खुदावन को हम कहें या खुदावन आप अपना हाथ रखें, आप खुदावन के हाथों में वालदैन को, औलाद को, और औलाद को भी जब वालदैन की तरफ से उन्हें कोई कमी रखे तो बजाय इसके कि खुद आर्ग्यू करें या चीजें सीधी करें, खुदावन को बीच में डालें, खुदावन से मिन्नत करें, खुदावन से दुआ करें, क्योंकि खुदावन ही सब कुछ करने पर कादिर है। जैसे हम मिसाल में एक जिक्र देखते हैं छोटा सा, कि वहां पे लिखा है कि बादशाह का दिल भी खुदावन के हाथ में, और वो पानी की नदियों की तरह उससे जिधर चाहता है हाँ मोड़ जी, देता है। हाँ प्रेस द तो इसी लॉर्ड। तरह वालदैन के लिए औलाद का दिल और औलाद के लिए वालदैन का दिल, ये भी खुदावन के हाथ में ही है। और एक छोटी सी एक आयत का मैं सिर्फ एडिशन करना चाहूंगी आहर में, हाँ जी और ये हमारे पास है मलाकी, उसका 4 बाप है और उसकी 6ठी आयत जो पुराने अहदनामा की आखिरी आयत है हाँ जी बाइबल हाँ में, जी हाँ और जी, वो है, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की बाप की तरफ मायल तरफ मायल करेगा, करेगा। हाँ, आखिरी दिनों के मुबादा मैं अंदर। आऊं और जमीन को मलून करूं। आमीन। आमीन। क्योंकि प्रेस द लॉर्ड। हमें अगर अपने वालदैन से शिकायत है या वालदैन को बच्चों से शिकायत है तो इसमें खुदा को शामिल करें, खुदावन को कहें, क्योंकि खुदावंद ही ये सब कुछ करने पर कादिर हैं, खुदावंद आमीन। ही प्रेस द अपनी तरफ लॉर्ड। रागिब करते हैं। तो यकीनन हमारे अंदर भी कमियां हैं और हम अपनी कमियों को हमें उसको मानना चाहिए, अगर हमें हाँ जी। फरमाबरदारी नहीं है तो हमें खुदावंद के जो मानना चाहिए, खुदावंद हमें नहीं है तो खुदावंद, यकीनन खुदावंद को कहेंगे तो खुदावंद क्या करेंगे, वालदैन का दिल हमारी तरफ मोड़ेंगे। और अगर हमें लगता है हमारे वालदैन की तरफ से कुछ कमी पेशी है तो बजाय चीजों को खुद सुलझाने के खुदावन को कहें, और खुदावन हमारे लिए सब कुछ सीधा कर देंगे।
आमीन। हामिद, वो बात वही हो जाती है जो मैंने अभी जो पर थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की ना, कि ये उम्र का जो जो हिस्सा है ना, जी वो ये जबकि बच्चे हमारे कंट्रोल में होते हैं और हमसे जुदा नहीं हो रहे होते हैं, वो माँ बाप के साथ चिपके होते हैं, उनमें अगर आप जी उनको अपनी कंपनी दे दें और फिर आप खुदावंद की कंपनी में हों, राइट, आप खुदावंद जी की कंपनी के अंदर हों, माहौल दे दें, खुदावंद का माहौल दे दें, पाखरू का माहौल दे दें उन्हें ना, रूहानी माहौल दे जी दें, तो वो फिर उनकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है ना, वो भी रोज़ दुआ किया करेंगे। अगर आप जब आप जुदा भी हो जाएंगे तो वो रोज़ सुबह में उठते हुए शाम को जो भी आप उसको माहौल जितने मरतब भी आप दुआ करते रहें, तो वो बच्चा भी ऐसा ही करता रहेगा, क्योंकि वो फिर उसके दिल पे नक्श हो जाएगा, जो भी आपने पहले इस्तिश्ना में कहा था ना वो बात सारी, असूल और कानून। तो ये रूहानी माहौल देने की बात है जहाँ पे खुदा का रूह उन पे काम करे। लेकिन जब माँ बाप ने ये देना ही नहीं है माहौल बच्चों को, जब उन्होंने आपस में लड़ते रहना है मियाँ बीवी ने, या घर के अंदर और दूसरे लोगों से, बहनों भाइयों से दूसरे लड़ते रहना, तो फिर बच्चे भी फिर इस किस्म की बातों को सीखते रहते हैं वो, या आपको उनको ड्रामों का माहौल देंगे देखने का, खबरों को देखने का, अखबारें पढ़ने का, इस किस्म के माहौल देंगे, तो वो भी ऐसे ही करेंगे। अब छोटे बच्चों का आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि वो उनके जो बाप जो सिगरेट नोशी करते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, तो वो हाँ थोड़ा जी सा ऐसा होता है जो बाप इधर उधर होता है ना, तो वो भी सिगरेट निकाल के ना वो मसनूई तौर पे वो भी पीने की कोशिश करते हैं वो। तो ये जी माँ बाप तो रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनको एक अच्छा वो रोल मॉडल बन के दिखाएं, बच्चों के सामने ना लड़ें, बच्चों के सामने ठीक अच्छे अच्छे रहें, और रूहानी माहौल उनको दुआया माहौल दें, ताकि बच्चे भी जो हैं वो फिर इसी तरह अच्छे तरीके से बढ़े, रूहानी माहौल में बढ़े। तो दिस इज़ ग्रेट सिस्टर, बहुत अच्छा था आज का, गो के भी दिल नहीं चाह रहा है कि हम इसको बंद करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम और भी कर सकते हैं इसमें, और हाँ जी खुदावंद ने मौका दिया, ज़िंदगी दी, तो ज़रूर हम आइंदा भी करेंगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, जी और इस किस्म के जिसमें हम सबको बरकत मिले। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर प्रोग्राम को दुआ के साथ बंद करें, ताकि इसकी बरकत जो है ना हम पर देर तक कायम रहे। जी हम दुआ में अपने सर को झुकाएं, एक दूसरे को दूसरे बल्फाज में आसमान के हर एक मालिक सच्चे दस आसमानी बाप, हम तेरे नाम के शुक्र गुजार हैं इस लम्हा, इस वाक्या के लिए, इस मौका के लिए खुदावन, कि जिस तरह से भी तेरे सामने झुके हैं ए खुदावन आप जानते हैं हमारे दिलों में क्या है, आप जानते हैं हमारी तरबियत में क्या है, आप जानते हैं खुदावन कि हमें आगे क्या होने वाला है, लेकिन इंसान होते हुए इन चीज़ों को हम नहीं समझ सकते, लेकिन आपका कलाम, आपकी बातें हमें खुदावन ये सब कुछ याद दिलाती हैं ए खुदावन, हमारी जिंदगी में जो भी मकसद है खुदावन उसे पूरा करना, हमारे कलीम तरबियत में जो भी कमियाँ हैं खुदावन हम उसे अपने नाम से पूरा करना, और हम खुदावन औलाद होते हुए जो नाफरमान है उसके लिए भी खुदावन हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि खुदावन जैसे आप अपने लोगों को सिखाते हैं, हमारे वालदैन हमें सिखाते हैं हमें फरमाबरदारी और ताबेदारी बख्शी है खुदावन, आज के टॉपिक को फिर से तेरे हाथ में देते हैं, और वह सब चीज़ें और वह सब बातें जो कि हमने सीखी हैं, और अपने सारे वक्त को जो कि खुदावन तेरे नाम में हमें गुजारा है तेरे नाम में देते हैं, तेरे हाथ में देते हैं, ताकि वो हमारे लिए बदले, और ए खुदावन हमारी आपसे यही दुआ है कि हमारी नस्ल और हमारे आने वाली नस्ल में वो सब कुछ आए जो कि आपकी मोहब्बत के जरिए खुदा उन जिंदगियों को बदलने वाला हो सके, इस रेडियो के प्लेटफॉर्म को तेरे बंदा आदिल को और खुद को और सब सुनने वाले को तेरे हाथ में देते हैं, और सबके लिए खुदा हम यही चाहते हैं कि हमारा दिल अपनी तरफ मायल कर और आप हमारे लिए वो सब कुछ आसानी करेंगे, और ए खुदावंद आपको सब हालात तो वाकयात को ए खुदावंद हमारे लिए बनाएंगे कि ए खुदावंद हमारी जिंदगी भी बरकात मामूर होगी, और हम भी तेरे नाम को उसी तरह सर बुलंद करने वाले हों जैसे हमारे बाबा याद ने किया, ए खुदावंद यीशु मसीह हमारी छोटी सी दुआ को सुनो और अपने जोर में भूख की मन से सुना, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्लेस्ड दुआ के लिए, और सामाइन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ थे, आपने सुना। अगर आप इसमें कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई बात बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे ही कांटेक्ट्स हमारे www.hamdosana.com वेबसाइट पे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी उसको खोल सकते हैं और वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स दिखे हुए हैं। सिस्टर रूथ, थैंक यू वेरी मच, आप आए, अच्छा प्रोग्राम लेकर आप आए, सारी मेहनत तो आपने की, मैंने तो बस बीच में कमेंट्स ही किए हैं, और आपकी सारी मेहनत के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपके साथ और आपको बरकत दे। थैंक यू।
आमीन। खुदावंद आप सबके भी साथ हो, आपको भी इसका इस्तेमाल करते रहे। आप जिस तरह से किसी एक प्लेटफॉर्म को हमारे लिए मुहैया करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। और मैं समझती हूँ कि आज के दौर में जैसे हम घरों में बैठे हुए हैं, तो आपने ही मौका दिया कि हम इस मेहनत को इस तरह खुदावंद के सामने ला सके। तो इसके लिए भी खुदावंद की और आपकी भी शुक्रगुजार हूँ मैं। हाँ जी, थैंक यू। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी रूहों को कायलो मायल करता है कि हम उसके लिए कुछ आमीन। करें, उसकी बातों बताने के लिए कुछ करें। तो थैंक यू, शुक्रिया। और ज़रूर फिर एक अच्छे प्रोग्राम के साथ फिर दोबारा से हम सब मिलेंगे। जी सामाईन, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी तरह और भी बहुत से अच्छे प्रोग्राम रेडियो पे आपके लिए हैं, और आप ज़रूर उनसे बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जी